हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप फ्रेंड्स, फिर से आ गई हूँ बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस लेकर। छोटी छोटी सी टिप्स हमारे काम को आसान बना देती है। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है फ्रेंड्स जो हमारे रोटियों के रुमाल होते हैं ना, या फिर किचन क्लीनिंग के रुमाल होते हैं, तो हम इनको इस तरह से रख देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं, तो आज हम इसको ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो शॉपिंग तो सभी करते हैं, इस तरह के डिब्बे सभी के घर में मिल जाएंगे। तो मैं इस तरह से देखिए ये डिब्बा ले लिया है, इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो ये देखिए पैकिंग पेपर आते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं देखिए जो सा मुझे इसमें अच्छा लगेगा वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो इस तरह से आप इसे चिपका लें यहाँ पे। तो ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाला पेपर इस पे लगा लिया है, पीछे की साइड भी और चारों साइड लगा लिया है, बीच में मैंने नहीं लगाया है। आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इनमें जो हमारे रुमाल हैं इनको रखेंगे। तो इस तरह से तय करके हम सारे रुमाल रख लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इस डिब्बे में आ जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, रखे भी अच्छे लगते हैं, और बहुत काफ़ी सारे हमारे रुमाल इसमें आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए मैं इसको आपको रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं पहले कितना ज़्यादा बेकार लग रहा था और अब कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जब हम दाल बनाने लगते हैं, तो इस तरह से दाल निकलती है हमारी कुकर से, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं दाल बनाने लगती हूँ कुकर में मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तो मैं 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, और चम्मच की हेल्प से मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इससे आपकी जो दाल है बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, मैं आपको इसमें सीटी लगाकर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुकर में सीटी आ गई है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दाल नहीं निकली है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जब हम दही जमाने लग जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, क्या हमसे गलती से या तो बर्तन में दही जामन होती है वो धुल जाती है, या हम अलग से दही जमाने के लिए रखते हैं वो हम भूल जाते हैं। और ज़्यादातर हम रात को ही दही जमाते हैं, तो मार्केट से तो हम बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो हम ऐसी चीज़ से दही जमाने वाले हैं जो हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती है। बहुत ही अमेजिंग ये ट्रिक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं दही जमाऊंगी, शाम का टाइम है, तो मैंने दूध ले लिया है, जितनी मैंने दही इसमें जमानी है। आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन में भी जमा सकते हैं। तो मैंने ले ली है 3 हरी मिर्च। जी हाँ फ्रेंड, 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च से बहुत ही आसानी से हमारी दही जम जाती है, और इसकी डंठल आप बिल्कुल भी ना तोड़ें, जो इसमें डंठल है वो इसमें मौजूद होनी चाहिए। ये देखिए, और मैंने ये दूध में डाल दी है, और बस मैं इसको ढककर रख दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मॉर्निंग में मिलती हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए सुबह मॉर्निंग हो गई है, और आप देख सकते हैं दही हमारी बहुत ही अच्छी तरह से जम चुकी है। ये देखिए, देखिए आपके सामने ही मैंने दही नहीं, जामन नहीं डाला था, और 3 ही हरी मिर्च से हमारी जो दही है वो जम चुकी है बहुत ही अच्छे से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हरी मिर्च देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। कौन सी टिप ज़्यादा बेहतर लगी कॉमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।